तो ये संग लगाता है ये क्या फालसे का पूरा एक साथ ही पेड़ लगते हैं पूरे खेत में। उसके बाद में इसमें कब इसी कब जामे वो खिले छूटते हैं और देखो ये थोड़े थोड़े निकल रहे हैं। अब इस समय जनवरी फरवरी में किले देना शुरू कर देगा और जब अप्रैल में चालू होंगे। अब फल कब शुरू हो जाएगा ना जी फरवरी कर लिया मार्च अप्रैल मई में चालू होंगे जी। मई में फल तो मई में ही चालू होगा फल। अच्छा कितने दिन में तैयार हो जाता है? 3 महीने में। 3 महीने में तैयार हो जाता है। फिर तोड़ करके इसको फिर कहाँ ले जाते हैं? दिल्ली। दिल्ली का रेट बिकता है जी देखो तो 50 को 60 को। अच्छा तो यहाँ और पास में कितने गांव में फालसा होता है? जी हमारे गांव में रायबाह और इधर नागर खागरी 4-5 गांव है। अच्छा आगरा में जाजू का ड्राइव नहीं तो इन गांव में कितनी गाड़ियाँ निकल जाती होंगी? डेली की 3 गाड़ी। डेली की 3 गाड़ी। अच्छा एक महीने की फसल है कि 2 महीने की? एक महीने की फसल है हमारे गांव से। साल भर में पूरी साल में 1 माह की फसल है ये। अब इसमें जैसे कल्ले निकलेंगे अब कितने दिन बाद इसमें फल आने शुरू हो जाएंगे? 3 महीना। 3 महीने के बाद फल आ जाएंगे। तो जैसे आज मान लो ये फरवरी है तो अप्रैल तक आना शुरू हो जाएंगे? हाँ मई में टूटना शुरू हो जाएगा। टूटना शुरू हो जाएगा और अच्छा खत्म हो जाएगा। 1 महीने की फसल है ये। तो ये जैसे इतना है करीब कितना कितना खेत होगा ये? 1 बीघा है ये। अच्छा ये दोनों मिला और 1 बीघा में कितना हो जाएगा ये? कितना माल निकल आता है? माल की पेड़ के ऊपर होती है उसमें कितना माल आता है? नहीं जैसे मान लो ये 1 बीघा है अब 1 बीघा में जैसे मान लो 2 किलो एक पेड़ निकले ठीक है? नहीं 2 किलो नहीं निकलेगा। इतना मतलब पका पका टूटता है 250 ग्राम है 250 ग्राम 200 ग्राम ऐसे टूटता है। तो जैसे मान लो आप इसमें मान लो 1 महीने तक तुड़ाई होगी तो 1 बीघा में प्रतिदिन कितना 1 करेट 2 करेट कितना निकल आता है? 1 बीघा में कितना पैसा निकल आता है? 1 बीघा में माल निकलता है प्रतिदिन एक क्विंटल 1 बीघा में। 1 महीना यानी 30 क्विंटल 1 बीघा में निकल आएगा। 1 महीने नहीं तो 20 क्विंटल तो 20 क्विंटल 20 से 30 के बीच में 1 बीघा में माल निकलेगा और दिल्ली में 50 रुपए किलो 30 रुपए से लेके 50 रुपए किलो तक। अच्छा दिल्ली में क्या करते हैं वो लोग? दिल्ली में वही लोकल बेचते हैं या बाहर विदेश भेजते हैं? बाहर दिल्ली में भी खाते हैं बाहर भेजते हैं। बाहर विदेश भेजते हैं। अच्छा ये बताओ आपके गांव कोई ऐसा है कि सीधे विदेश भेज सके कोई? नहीं ऐसा कोई नहीं है। अच्छा सब पे एक एक दो दो बीघे फालसा है? नहीं हम पे 1 बीघे ढेर में पल्ला इधर चले जाओ इधर नहीं ज्यादा किसी पे ऐसा है 10-10 बीघे फालसा हो? किस पे? इधर है वो तो। किस पे नाम बताओ उसका? नाम नहीं पता है मुझे पर इधर ही। अच्छा तुम्हारे पिताजी तुम्हारा क्या नाम है? दीपू। और तुम्हारे पिताजी का नाम? सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश और जी गाँव कौन सा है? कुकतला। कुकतला तहसील कौन सी लगती है तुम्हारी? करावली। और जिला कौन सा है? आगरा। आगरा चलो मई के महीने में फिर आपके यहाँ कभी आते हैं ठीक है बुलाना ठीक।